ये बाबा मुख्यमंत्री जी क्या दिलाएंगे, स्मार्टफोन जो सांड नहीं पकड़ पा रहे हैं। बताओ बात कर रहे हैं मोबाइल की और सांड तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपके यहां भी है सांड के नहीं है, और खेतों में तार है कि नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव समाजवादी आरएलडी साइकिल हैंडपंप का है। यहां पर साइकिल चुनाव लड़ रही है, इसलिए हैंडपंप वालों खूब हैंडपंप चलाइए और साइकिल को दौड़ाइए। बताओ साइकिल को दौड़ाओगे कि नहीं दौड़ाओगे? ये तो हमें आखिरी वक्त में प्रोफेसर मिल गए जिन्हें हमने चुनाव लड़ा दिया। एक आए थे प्रोफेसर टिकट मांगने, एक दूसरे प्रोफेसर आए थे टिकट मांगने, वो गणित के प्रोफेसर थे, हिसाब किताब लगा के हमें छोड़ के चले गए। पता नहीं कौन सा हिसाब किताब लगाया, हम लोगों को छोड़ के चले गए। अब हम दूसरे प्रोफेसर पकड़ लाए, एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं, और ये अगर एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं इन्हें विधायक बनाओ, आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो चाहे हमें वोडका का प्लांट लगाना पड़े, वो हम एसी लगाने का काम करेंगे। बताओ आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ लें, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। इसलिए अरे अरे रड़ुआ का जमाना बता रहे हो क्या आ गया है? ए क्या बता रहे हो तुम? ए नौजवान, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनो ए मैडम, तुम्हारे बात की तुम्हारी याद, ये जो नौजवान का दुख है ये सच में ईमानदारी से दुखी है ये, और ये भर्ती नहीं निकली है। इसीलिए मैंने कहा ए नौजवान, ये कोरोना में कई लोग ओवर एज हो गए हैं, कई लोग ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि ऐसी बीमारी आई किसी को पता नहीं था कि बीमारी कितने दिन चलेगी। जो मरीज थे वो भी परेशान थे दवाई क्या लें, डॉक्टर भी परेशान थे कि दवाई क्या दें, और कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई, बीमारी आई। अब पाबंदियों में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसलिए अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़े तुम्हारे रडुआपन खत्म करने के लिए, तो उम्र की छूट भी देनी पड़ी। तो जो गर्मी निकाल रहे हैं उन्होंने फौज में नौकरी नहीं निकाली, पुलिस में नौकरी नहीं निकाली, इसलिए फौज में हम विशेष निवेदन करेंगे, क्योंकि हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से, हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान फौज में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, और अगर समाजवादी सरकार बनती है तो हमें फौज के लिए जो भी सुविधा देनी पड़ेगी हम देंगे, और फौज से कहेंगे कि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती करने का काम करें।